बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नॉलेज टीवी। आज की बड़ी अपडेट तनख्वाहों के बारे में। तनख्वाहों में एक बड़ी कटौती शुरू होने वाली है टैक्स की सूरत में। स्लेब नया हुकूमत ने नया स्लेब टैक्स जारी कर दिया, जिसके मुताबिक नए टैक्स जो रेट्स हैं वो मुतय्यन कर दिए गए। 6 लाख सालाना, जो 6 लाख तनख्वाह होने पर कोई टैक्स नहीं होगा। 6 लाख से लेकर 12 लाख पर सालाना आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा 12 लाख से 18 लाख रुपए पर आपको सालाना 10% टैक्स देना पड़ेगा। और इस स्लेब के तनख्वाहदारों को 30,000 सालाना टैक्स देना होगा। 18 से लेकर 25 लाख रुपए पर सालाना 15% टैक्स देना होगा। इस स्लेब के तनख्वाहदारों को 90,000 रुपये सालाना टैक्स देना होगा। 25 लाख से 35 लाख के तनख्वाहदारों को 17% टैक्स देना होगा। इस स्लेब के तनख्वाहदारों को 1,95,000 रुपए की रकम सालाना जमा करवानी होगी। 35 लाख से लेकर 50 लाख की सालाना तनख्वाह पर 7.5% टैक्स होगा। इस स्लेब के तनख्वाहदारों को सालाना 3,95,000 रुपये देना होगा। इस तनख्वाह इस 80 लाख से 1 करोड़ 20 लाख रुपए की सालाना तनख्वाह पर 25% टैक्स देना होगा। इन तनख्वाहदारों को सालाना 13,45,000 रुपये देना होगा। 1 करोड़ 20 लाख से ज़ायद तनख्वाह पर 27.5% टैक्स देना होगा। इन तनख्वाहदारों को 23,45,000 रुपये सालाना देना होगा। 3 से 5 करोड़ सालाना तनख्वाह पर 30% टैक्स देना होगा। जो सालाना 72,95,000 रुपये सालाना जमा करवाना होगा। इसके अलावा दस्तावेजात में मजीद कहा गया कि 5 करोड़ से 7.5 करोड़ रुपये सालाना से ज़्यादा तनख्वाहदार को 32.5% टैक्स देना होगा, जबकि 1 करोड़ 32,95,000 रुपये टैक्स उनको जमा करवाना होगा। दस्तावेजात के मुताबिक ये सैलरी टैक्स रेट 2021-22 के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।